थॉट से. पहले तो कुछ साल पहले मैं जय के साथ, मेरे हस्बैंड के साथ, एक जन के घर गई थी डिनर पे. तो काफ़ी साल हो गए, 7-8 साल हो गए हैं. तो उस समय उन्होंने इस सेंट जूड के बारे में बात की हमसे और हमें कैटलॉग दिया उसके बारे में. और टर्न्स आउट इट इज़ द सेम इंस्टीट्यूशन जिसके वो फाउंडर मेंबर हैं. ये एक ऐसी संस्था है जो कैंसर से पीड़ित बच्चे, फैमिलीज आती हैं दूर दूर से, कभी मुंबई के नहीं होते, गांव से आते हैं, दूसरे शहर से आते हैं. और एक तो कैंसर ऐसी बीमारी है जो सुनकर ही पहले यू नो डर लग जाए, फिर इसकी ट्रीटमेंट करवाने के लिए तो बहुत पैसे लगते हैं. चलिए ट्रीटमेंट भी हो जाए, मगर जो लोग मुंबई से बाहर से आते हैं इस ट्रीटमेंट के लिए, रहने को घर है नहीं है, छत है नहीं है, तो एक तो इतनी बड़ी बीमारी का सामना करना, फिर इन चीज़ों की ज़रूरत पड़नी, ये एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है उनके लिए. तो सेंट जूड्स वो बच्चे जो दे आर बिलो द पॉवर्टी लाइन, जो मुंबई से बाहर से आए हैं, उनके लिए रूम्स बनाती है. और आपने देखा होगा आई थिंक अंदर कि कितने सुंदर तरीके से रूम्स बनाती है, उनको फैमिलीज़ को रखती है यहाँ पर, माँ बाप बच्चा. क्योंकि एक ये भी तो होता है कि आप सिर्फ बच्चे को रख लो तो माँ बाप कहाँ जाए. तो इट ऑल हैज़ टू बी ट्रीटेड टुगेदर. फिर सैनिटेशन की इतनी देखभाल करनी पड़ती है, क्योंकि कैंसर में आपको कोई भी इन्फेक्शन हो जाए तो डबल ट्रबल. तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना, आई थिंक सेंट जूड्स इज़ डूइंग अ कमेंडेबल जॉब. और दिलीप भाई के जैसे, और उनके भाई सुरेश भाई, सुधीर भाई, सॉरी दिलीप भाई एंड सुधीर भाई, ह्यूज कॉन्ट्रीब्यूशन मेड इन टर्म्स ऑफ मनी. अगर ये ऐसे लोग ना हों तो ऐसा काम हो नहीं सकता. तो बहुत बहुत धन्यवाद है इनको, इनको जो आगे बढ़ बढ़ के इन्होंने बोला है हमसे ये काम करवाइए, हम तैयार हैं. ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं. सो इट्स ऑल ऑफ देम. और इनसे सीखने को मिलता है हम सबको कि ये अच्छाई करने वाले लोग एक तो इस दुनिया में हैं, इसलिए ये दुनिया गोल है और ये चलती जाती है. वरना सब हम लोग पैसे के पीछे, काम के पीछे अपने ही धुन में लगे रहते हैं. मगर दूसरों के लिए आगे बढ़कर काम करना, ये आपने भी तो वही किया आज. आपका बहुत आपने भी तो वही किया आज. नहीं, बहुत योगदान है और इसके लिए आई थिंक बहुत धन्यवाद. थैंक यू फॉर कमिंग अगेन. आप कुछ कंट्रीब्यूशन खुद करने वाले? मैं भी करना, अब तो करना पड़ेगा भाई. मैं बहुत जगह पहुंच जाती हूँ, अब तो हर जगह मेरे को भी करना पड़ेगा. मैं भी सोच के करूँगी. आपको सिर्फ टीवी के सामने मुझे, मैं बोल के चली जाऊँ मैं ये कर दूँगी, ऐसा नहीं. मैं सोच समझ के मैं क्या कर सकती हूँ. चलो इन्होंने ये पूरी संस्था खड़ी कर ली, अब मैं इसमें क्या और ऐड कर सकती हूँ. मैं ज़रूर करूँगी.